अब क्वेश्चन नंबर 2019 के क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, यहाँ पर दिया है टू इंटू ये मैट्रिक्स 3, 4, 5x प्लस 1y 0 1 बराबर 7 0 10 5। इसमें x और y का मान फाइंड करना है, x और y का मान फाइंड करना है। देखो सिंपल नियम है, इसे फाइंड करेगा तो 2 से इसमें गुना करो तो 2 3 क्या हो गया, 4 2 8। 2 को 5 में गुना करो 10, 2 को x में गुना करो 2x हो गया। ये देखो प्लस है, अब देखो ये 1 हो गया, ये y हो गया 0 1 बराबर 7 0 10 5 हो गया ना। yes, देखो सिंपल नियम है, जिनका जो स्थान है उन्हीं के साथ जोड़ो। जैसे इस एलिमेंट का नाम क्या है, A11। इस एलिमेंट का नाम A11। इसका भी नाम क्या है A11। A11 को A11 के साथ जोड़ो, समझ गया ना। 6 और ये क्या हो गया 8 प्लस वाई क्या हो गया 8 प्लस y। 10 में अब क्या जोड़ेगा 0। 10 हो गया 2x प्लस क्या होगा 1। ये 1 हो गया जी। अब देखो 7 0 हो गया जी। 10 5 हो गया। अब देखो ये मान जो है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी इस एलिमेंट का नाम क्या है A12 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यानी 8 प्लस y बराबर क्या हो गया 0। तो y बराबर क्या हो गया -7 हो गया। उसके बाद देखो y का मान फाइंड हो गया है जी सर। अब किसका मान फाइंड करना है, x का। अब किनसे उठाएगा, इनसे उठाएगा ना। इनका मान देखो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा ना। तो 2x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 5। तो 2x बराबर क्या होगा 5 माइनस 1। 2x बराबर क्या हो गया 4। 2 2 4 x का मान क्या निकल गया 2 और y का मान क्या निकला है माइनस 8। 4 नंबर का जो सवाल है इसके सब्जेक्टिव में 2019 सब्जेक्टिव। इसमें देखो cos 15 डिग्री हो गया और sin 15 डिग्री, उसके बाद sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री, इनके बराबर क्या प्रूफ करना है, 0 करना है जी। ऐसे प्रूफ लिखो LHS। देखो गुना कोनी दाहिना तरफ से क्या होता है, गुना होता है। तो गुना करो इनको इनको तो क्या होगा, cos 75 इंटू cos 15 माइनस, फॉर्मूला से क्या आता है माइनस आता है। अब इनको इनको गुना करो तो क्या होगा, sin 15 15 हो गया। अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है, सूत्र यहाँ पर हम लिखिए देते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b sin b, इनका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b cos a प्लस b। देखो a का मान क्या हो गया, b का मान क्या हो गया, तो कोस क्या होगा 75 प्लस 15। कोस कितना हो गया, नहीं 90 डिग्री हो गया। कोस 90 का मान क्या होता है 0। ये प्रूव हो गया ना। उतारो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इनका जो है सार्वनिक मान याद करना है, 4 9 7 है, 3 5 7 है,
और पांच चार पांच, ये चीज। तो सारणिक मान ज्ञात करना है। चलिए हम किससे चलते हैं, फर्स्ट रो से चलते हैं जी। तो यहाँ पर देखो इनका मान स्थान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इनका स्थान नेगेटिव, इनका स्थान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो चार लो, तो देखो ये चार के सामने वाला कॉलम कट गया और चार की जो है सामने वाला ये रो कट गया। तो ये देखो क्या बचा, पांच सात चार पांच पचे पच्चीस माइनस सात चौके अट्ठाईस हो गया। अब देखो नौ का स्थान क्या होता है, माइनस निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस नाइन होगा। चलो तो इनके सामने का कॉलम खत्म हो गया, ये देखो इनके सामने का रो खत्म हो गया, तो बचा क्या, सेवन फाइव फाइव पांच पंद्रह पांच सत्रह सैतीस हो गया। अब क्या लेगा, सात लेगा ना जी, इनके सामने का कॉलम खत्म, रो खत्म, चार पिया बारह। तो 25 में से 28 गया कितना बचा, माइनस बीस। अब 15 में से 35 जाएगा कितना बचेगा, माइनस माइनस बीस। तो समझ लो ये 15 रुपया है, 35 रुपया खर्चा कर दिया है, माइनस बीस क्या रुपया कर जाएगा बोलो, माइनस बीस। तो माइनस क्या होगा, 20 होगा, और 12 में से 25 घटा कितना होगा, माइनस 13। तो चार दिया बारह। अब देखो 20 नवा 90 180 63 91 हो गया। अब क्या करोगे बोलो, 180 हो गया, अब माइनस वाले को जोड़ देना, जोड़ करके माइनस लगा दो, कर्जा जुड़ जाता है जी। तो दो एक क्या हो गया, 9 एक कितना बचेगा बोलो, घटा के क्या होगा, 77 में होगा, 77 अगर आप लोग क्लास 12th का क्रेश कोर्स चाहते हैं तो सभी दिन शाम 4 से 5 में लाइव क्लास पर आप क्रेश कोर्स कर सकते हैं।